Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will all right. Today we read page number 36. Exercise question number 1. Write the correct word in the blanks. खाली जगहों में आप लोगों ने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके उस पर टिक का निशान लगाना है. The small arrow that moves when we move the mouse is called a dash. अपने दो ऑप्शन दिए गए हैं, कर्सर या पॉइंटर. हमारा जो आंसर है वो है पॉइंटर. नंबर 2, a mouse is used to dash at things on the screen. फ्लैश या पॉइंट. हमारा आंसर है पॉइंट. नंबर 3, a mouse has 3 dash lines या बटन्स. A mouse has 3 buttons. Number 4, the mouse dash helps us move up and down a page. Buttons या wheel. Wheel. हमारा आंसर है wheel. Question number 2 है इसी पेज पे. Match the words that are similar in meaning. Similar mean जिनका मतलब वर्ड तो डिफरेंट हो लेकिन मीनिंग सेम हो. अब डायरेक्ट है, पहले हमारा वर्ड है डायरेक्ट. रेक्ट में ना फौरन, इसका हमारा है पॉइंट के साथ, इसको हम मैच करेंगे. उसे बात है शिफ्ट. शिफ्ट शिफ्ट को हम मैच करेंगे मूव के साथ. उसके बाद है ब्लिंकिंग. ब्लिंकिंग के साथ जो उसका सिमिलर मीनिंग है वो है फ्लैशिंग. और डिस्प्ले, डिस्प्ले का जो सिमिलर मीनिंग है वो है, जो वर्ड है वो है शो. तो हमारी याद, डायरेक्ट का पॉइंट, शिफ्ट का मूव, ब्लिंके का फ्लैशिंग और डिस्प्ले का शो है. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.